नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। महंगाई कंफर्ट रेंज से बाहर, आरबीआई की पड़ेगी दिक्कत, मूडीज एनालिटिक्स की रिपोर्ट। कोल आया 14% घटा, टाटा स्टील और सेल के ज्वाइंट वेंचर अजम्पशन की रिपोर्ट। 4 दिन बाद एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती की गई है। तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल के दाम में 22 पैसे और डीजल की कीमतों में 23 पैसे की कटौती की गई। कटौती के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 90.56 रुपए प्रति लीटर पर आ गई, वहीं डीजल के दाम गिरकर 80.87 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गए। कीमतों में कटौती के बाद मुंबई में पेट्रोल की कीमत 96.98 रुपए और डीजल की कीमत 87.96 रुपए प्रति लीटर हो गई। वहीं अगर कोलकाता की बात करें तो पेट्रोल के दाम 90.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 83.75 रुपए हो गए हैं। चेन्नई में पेट्रोल 92.98 रुपए तो डीजल की कीमत 85.88 रुपए प्रति लीटर हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। मंगलवार को शेयर बाजार में दिन भर तेजी रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 1128.08 अंक यानी 2.30% ऊपर 50,136.58 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 337.80 अंक यानी 2.33% की बढ़त के साथ 14,845.10 के स्तर पर बंद हुआ। पिछले सप्ताह के दौरान बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 849.74 अंक या 1.70% टूटा था। 29 मार्च 2021 को होली के उपलक्ष पर घरेलू शेयर बाजार बंद था। शुक्रवार को गुड फ्राइडे के अवसर पर भी बाजार बंद रहेगा। पिछले हफ्ते भारी गिरावट के चलते अच्छे शेयरों की कीमत घटी है जिससे निवेशक खरीद रहे हैं। इसकी वजह से बाजार भी उछाल आया है। वित्त वर्ष 2020 से 21 की चौथी तिमाही के नतीजे अप्रैल में आने लगेंगे। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि यह बेहतर होगी। घरेलू संस्थागत निवेशक बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। 26 मार्च को 1,703.14 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे थे। बाजार के प्रमुख सेक्टर मेटल, बैंकिंग और आईटी में जमकर खरीदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। मूडीज एनालिटिक्स ने मंगलवार को कहा कि भारत की मुद्रास्फीति संतोषजनक स्तर से काफी ऊंची है और एशियाई अर्थव्यवस्था में यह अपवाद है। जोखिम प्रदर्शन आदि से संबंधित आर्थिक शोध उपलब्ध कराने और परामर्श देने वाली मूडीज एनालिटिक्स ने कहा कि ईंधन की ऊंचे दाम खुदरा महंगाई दर पर दबाव बनाए रखेंगे। इससे भारतीय रिजर्व बैंक के लिए नीतिगत दर में आगे कटौती मुश्किल होगी। खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी में बढ़कर 5% पहुंच गई, जो जनवरी में 4.1% थी। रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति पर विचार करते समय मुख्य रूप से खुदरा मुद्रास्फीति पर गौर करता है। मूडीज एनालिटिक्स ने कहा कि मुख्य मुद्रास्फीति खाद्य, ईंधन और प्रकाश की महंगाई दर को छोड़कर फरवरी में बढ़कर 5.6% रही, जो जनवरी में 5.3% थी। उसने कहा कि भारत में मुद्रास्फीति काफी ऊंची है। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एशिया के ज्यादातर देशों में मुद्रास्फीति नरम है और तेल के दाम में वृद्धि तथा अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोले जाने से 2021 में इसमें तेजी की आशंका है। इस साल वैश्विक मानक ब्रेंट कच्चा तेल 26% उछलकर $64 प्रति बैरल पर पहुंच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। अमेरिकी डॉलर की मजबूती और घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली के चलते भारतीय रुपया बुधवार को डॉलर के मुकाबले 20 पैसे टूटकर 73.58 के स्तर पर आ गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में घरेलू इकाई अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 73.56 पर खुली और आगे गिरावट दर्ज करते हुए 73.58 के स्तर पर आ गई, जो पिछले बंद के मुकाबले 20 पैसे की गिरावट दर्शाता है। रुपया मंगलवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 73.38 पर बंद हुआ था। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.13% बढ़कर 93.41 पर पहुंच गया। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वार्ता 0.48% बढ़कर $64.45 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज।
चालू वित्त वर्ष में अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के दौरान कोयला आयात में 13.6% की गिरावट आई है। इस अवधि के दौरान चालू वित्त वर्ष में देश में 196.13 मिलियन टन कोयले की आयात हुआ है। एक साल पहले समान अवधि में देश में 227.23 मिलियन टन कोयले का आयात हुआ था। टाटा स्टील और सेल के जॉइंट वेंचर एक्सम्पशन की ताजा रिपोर्ट से यह जानकारी सामने आई है। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। महंगाई कंफर्ट रेंज से बाहर, आरबीआई की पड़ेगी दिक्कत, मूडीज एनालिटिक्स की रिपोर्ट। कोल आया 14% घटा, टाटा स्टील और सेल के जॉइंट वेंचर एक्सम्पशन की रिपोर्ट। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज़। नमस्कार।